हेलो गाइज, वेलकम टू न्यूजन लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जल्दी कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, यह इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों, हम इस पूरी सीरीज में लगभग 1500 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और दोस्तों, इस सीरीज में हम वेरियस एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह सीरीज आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपसे यह सीरीज मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। ये दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वर्ल्ड में सबसे पहले कंप्यूटर डेवलप करने का प्रयास चार्ल्स बेबेज ने किया था 1837 में एनालिटिक इंजन बनाकर। इसलिए दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ से एक क्वेश्चन और पता चलता है कि एनालिटिक इंजन किसने बनाया था। एनालिटिक इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1837 में। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बॉन न्यूमैन। यस दोस्तों, बॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो इस फैक्ट को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इनियक। यस, इनियक सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व के सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था, तब भी आपका आंसर रहेगा इनियक। यस दोस्तों, विश्व के सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम इनेक था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इनेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों, आपको ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि उसको इन्वेंट किसने किया। तो इसको इन्वेंट किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचरी ने। तो दोस्तों, आपको ये दोनों नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर यानी मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 1946। यस दोस्तों, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम सबसे पहले खोज हुई थी। तो आपको इसे याद रखना है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। दोस्तों, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, संगणक। यस दोस्तों, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, आपको इसे याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। यह दोस्तों, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, आपको इसको जरूर याद रखना है। दोस्तों, अब इसको मनाया क्यों जाता है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल स्किल को बढ़ावा देने के लिए इस डे को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, यानी कि भारत में ही डेवलप्ड फर्स्ट कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। यस दोस्तों, सिद्धार्थ भारत में डेवलप्ड फर्स्ट कंप्यूटर है, और इसको डेवलप किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो आपको इस नाम को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, यानी कंप्यूटर को किस लैंग्वेज पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बेसिक भाषा। यस दोस्तों, बेसिक लैंग्वेज पर कंप्यूटर कार्य करता है। दोस्तों, बेसिक, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, आपको इस फुल फॉर्म को याद रखना है। दोस्तों, बेसिक लैंग्वेज है सबसे अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यह सिंपल और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। बेसिक लैंग्वेज को जॉन जी किमनी और थॉमस ई कर्ज ने 1964 में डेवलप किया था। तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। दोस्तों, इस कंप्यूटर को 1956 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जो कंप्यूटर स्थापित किया गया था, यह किसी दूसरी कंट्री से खरीद कर किया गया था, इसे इंडिया में डेवलप नहीं किया गया था। अब दोस्तों, इंडिया में डेवलप्ड फर्स्ट कंप्यूटर क्या नाम है। तो इंडिया में डेवलप्ड फर्स्ट कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। यस दोस्तों, परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो दोस्तों, इसका नाम है परम कंप्यूटर। दोस्तों, आपको ये जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, परम कंप्यूटर को जुलाई 1991 में डेवलप किया गया था। कब किया गया था, जुलाई 1991 में। उसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग, यानी सीडेक ने इसको डेवलप किया था।
दोस्तों इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर परम को डेवलप करने का श्रेय जाता है विजय पांडुरंग भटकर को, और दोस्तों इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कहा जाता है, तो आपको इस नाम को जरूर याद रखना है। और दोस्तों वर्ल्ड में फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है? दोस्तों इस बात को नोट करना कि हमें बात कर रहे हैं विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, क्रे के वन एस। यस दोस्तों, क्रे के वन एस विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी कि इंडिया का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, मतलब इंडिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम। दोस्तों वर्ल्ड के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया था सेमोर क्रे ने, इसलिए दोस्तों सेमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखना इस नाम। और यह सुपर कंप्यूटर 1964 यानी 1964 में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों वैसे तो हम इसकी पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चन भी डाल दिया है। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, परम। यस दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। दोस्तों परम कंप्यूटर को किसने डेवलप किया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोस्तों परम कंप्यूटर को डेवलप किया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग, यानी सीडेक ने इसको डेवलप किया था, और ये सीडेक है कहाँ पे, ये पुणे में है। तो दोस्तों इसको डेवलप किया गया था जुलाई 1991 यानी जुलाई 1991 में इसको डेवलप किया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विनय पांडुरंग भटकर को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कहा जाता है। दोस्तों वर्ल्ड में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो वर्ल्ड में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सेमोर क्रे को, तो आपको इन दोनों नाम को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है, तो दोस्तों आपको इसे याद रखना है। दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी सीपीयू को कहा जाता है, तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 1024 बाइट। यस दोस्तों, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो 8 बिट बराबर होते हैं 1 बाइट के, और 1024 बाइट बराबर होते हैं 1 किलोबाइट के, और 1024 किलोबाइट बराबर होते हैं 1 मेगाबाइट के, और 1024 मेगाबाइट बराबर होते हैं 1 गीगाबाइट के। तो दोस्तों आपको इन सभी को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। यस दोस्तों, सिलिकॉन से आईसी चिप बनते हैं। दोस्तों आईसी चिप, तो यहाँ पे आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, और दोस्तों आईसी चिप का यूज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में होता था, तो आप इसको जरूर याद रखना। आईसी चिप का यूज किस जनरेशन कंप्यूटर में होता है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप का यूज होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडिया में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो इंडिया में सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में, तो आप इसको भी जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यस दोस्तों, सीपीयू में 3 यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों आपको इन तीनों यूनिट को याद रखना है। दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये इसको सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप का विकास किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, JS Kilby। यस दोस्तों, JS Kilby ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप का डेवलप किया है। तो दोस्तों इस आईसी चिप के बारे में हमने पहले भी बात की है, आईसी चिप थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होते हैं, तो आपको इस फैक्ट को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 12। यस दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन की टोटल 12 होती हैं। दोस्तों आप इस इमेज में कीबोर्ड में फंक्शन की को देख सकते हैं, और फंक्शन की का काम होता है हार्डवेयर फंक्शन को कंट्रोल करना, जैसे कि स्क्रीन ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, इन आदि को कंट्रोल करना, यही इनका काम होता है, तो आपको इसको जरूर याद रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि कीबोर्ड में टोटल कितनी कीज होती हैं, टोटल कितनी की होती हैं? तो कीबोर्ड में टोटल की 101 होती हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। दोस्तों इनपुट का मतलब होता है जो चीज़ आप कंप्यूटर में इंटर कर रहे हो, जो डाटा इन्फॉर्मेशन इंटर कर रहे हो उसको इनपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस की हेल्प से आप उस डाटा को इंटर कर रहे हो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों जैसे कि आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, तो आप कीबोर्ड से लिखते हो,
तो आप कीबोर्ड की हेल्प से उस डाटा को इंटर कर रहे हो, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो इसी में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मॉनिटर। या दोस्तों मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर आपको रिजल्ट दिखाता है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों ये है सभी इनपुट डिवाइस की लिस्ट, आपको इसे याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। तो इसमें है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल बार कोड रीडर और वॉइस रिकग्निशन डिवाइस, ये सभी इनपुट डिवाइस है, तो आपको इन सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, यानी कौन सी की कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी मॉडिफायर। यस दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं, तो आपको इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि OCR का फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। यस दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR का फुल फॉर्म है, दोस्तों आपको इसको याद कर लेना है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि OCR कैसा डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट। तो दोस्तों OCR इनपुट डिवाइस है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी टच स्क्रीन। यस दोस्तों टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर में डाटा या इन्फॉर्मेशन को इनपुट करते हैं, और जब वही डाटा इन्फॉर्मेशन हमें जिस डिवाइस पर रियल के रूप में मिलता है तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ आउटपुट डिवाइस जिनको आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों इस लिस्ट में है वेबकैम, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी डगलस एंजलबर्ट। ये दोस्तों डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। दोस्तों अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि माउस कैसा डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट। तो दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DVD क्या है, यानी DVD का फुल फॉर्म पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यस दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD का फुल फॉर्म है, और दोस्तों इसका फुल फॉर्म एक और है डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसका फुल फॉर्म है। क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी है इसका फुल फॉर्म। तो आपको इन दोनों फुल फॉर्म को याद रखना है। दोस्तों DVD का इन्वेंशन हुआ था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि मेनबोर्ड कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मदरबोर्ड। यह दोस्तों मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेनबोर्ड होता है। दोस्तों CPU में होता है मदरबोर्ड जो कुछ इस तरह दिखता है, जो कि कंप्यूटर का मेनबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW के आविष्कारक कौन है, यानी कि इसका इन्वेंटर कौन है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी टिम बर्नर्ली। यह दोस्तों टिम बर्नर्ली ने 1989 में WWW का इन्वेंशन किया था। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों आपको इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों कंप्यूटर सीरीज का पार्ट फर्स्ट आज यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों मैं जल्दी इसका पार्ट सेकंड भी अपलोड करूंगा। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। दोस्तों आपसे इस सीरीज का कोई भी पार्ट ना छूटे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मैं डेली 4 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो भी अपलोड करता हूं, तो आपको करंट अफेयर्स के वीडियो को भी देखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।